मल्होत्रा साहब, जो उम्मीदें आपने ओबराई की मालिक ने यशोधरा देवी से लगाई थी, मुझे लगता है कि उन उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तीन और लोगों के नाम शामिल हैं। मुझे उन तीनों की डिटेल्स चाहिए। आइए कॉन्फ्रेंस रूम में। हेलो। सारा अरेंजमेंट करके रखा है, बैठिए, दिखाता हूं आपको। यशोधरा देवी ने विल में इन लोगों को कुछ ना कुछ दिया है। क्या दिया है आई डोंट नो। ये है राहुल जुनेजा, देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल का हेड और हिंदुस्तान की मीडिया का सबसे उभरता हुआ सितारा। देश के सब चैनल एक तरफ चलते हैं, लेकिन इसकी गंगा उल्टी ही बहती है। यह है तानिया, राहुल की गर्लफ्रेंड। राहुल अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तानिया से, और ये क्राइम सेक्शन देखती है। Hey. Good morning, baby. Good morning. How are you? I'm good. What you doing? Oh, yeah. Look at this. How is it? Oh, that's brilliant. ये है राज कोहली। बाइक राइडिंग का बड़ा शौक है और तेज रफ्तार बहुत पसंद है। जिंदगी अपने हिसाब से जीता है। यह है सिमरन, राज की मंगेतर। ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। राज, प्लीज बंद कर दो। ओके। दरवाजा बंद करने को नहीं, ये गिटार बंद करने को कहा था। मगर इसमें तो दरवाजा नहीं है।
वेरी फनी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या बंद करना था। अरे सिमरन क्या कर रही हो, छोड़ो, अरे मेरा गला, अरे सिमरन, ओहो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम किताब पढ़ रही हो। इसे जरा गौर से देखिए, यह है वरिंदर भटनागर उर्फ वीरू, राइजिंग बिजनेसमैन और ग्लैमर इसका पैशन। शोबीज इसकी डेस्टिनेशन है और ये शाइना टॉप मॉडल की वजह से काफी न्यूज में रहता है। और शाइने की वजह से ही हमेशा पेज 3 में दिखाई देता है, क्योंकि ये उसका चाहने वाला है। ओह हाय, हाय, हाउ आर यू सीरा? आई एम फाइन, थैंक यू। वैसे इसका कंटेनर यार्ड का भी बिजनेस है। ये हैं वो तीनों, ओबराय के एडवोकेट ने इन्हें बुलाया है। यशोधरा देवी ने अपनी विल में कुछ दिया है। यशोधरा देवी का इनसे क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इन्हें सब कुछ मिल गया तो मल्होत्रा साहब जरा सोचिए आपका क्या होगा। इतना आसान नहीं है मल्होत्रा के हक को छीनना। कल वसीयत देखेंगे फिर सोचेंगे। आज हमारे बीच सबकी चहेती गरीबों की मसीहा यशोधरा देवी नहीं है। ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है। उनका दिल हर ज़रूरतमंद की पुकार को सुनता था और इतना ही नहीं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश भी करती थी। जाने से पहले ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए वो वसीयत करके गई हैं, और साथ ही में उन लोगों के लिए भी जिन्हें वो बहुत चाहती थीं। उनमें से एक ख़ास नाम है मिस्टर राकेश मल्होत्रा, जो अक्षर नाम का एनजीओ चलाते हैं। इनके पूर्वजों के और यशोधरा देवी के रिश्ते को सारी दुनिया जानती है। इनके एनजीओ को 100 करोड़ मिला है और गुप्ता ट्रस्ट को 50 करोड़, रामनगर गांव की उन्नति के लिए 50 करोड़। और अब बारी आती है 3 ऐसे दोस्तों की जिनसे यशोधरा देवी का क्या इमोशनल अटैचमेंट था, ये मेरे लिए बता पाना बहुत मुश्किल है। हमारे बीच देश के सबसे बड़े टीवी न्यूज़ चैनल TV13 के एडिटर मिस्टर राहुल जुनेजा यहाँ उपस्थित हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यशोधरा देवी ने मिस्टर राहुल और उनके दो दोस्तों मिस्टर राज और मिस्टर वीर को अपनी दौलत का असली वारिस करार दिया है। और वसीयत के मुताबिक इन तीनों को 300 करोड़ रुपया दिया है। अगर इनमें से कोई एक नहीं मिलता तो ये हिस्सा 2 में डिवाइड कर दिया जाएगा, और अगर इन तीनों में से सिर्फ एक मिलता है तो ये 900 करोड़ उसे मिलेगा, और अगर तीनों नहीं मिलते हैं तो ये सारा पैसा मिस्टर मल्होत्रा के एनजीओ में जाएगा और ये विल 1 महीने बाद ट्रांसफर की जाएगी। अब मैं मिस्टर राहुल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे यहाँ बैठे हुए लोगों को बताएं कि यशोधरा देवी से उनका इतना गहरा रिश्ता कब और कैसे बना। कम ऑन राहुल, कम ऑन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यशोधरा माँ की मोहब्बत और एहसास को हम आज भी भूल नहीं पाएंगे। अजीब सी बात है, हमारी पहली मुलाकात एक हादसे से हुई थी। मुझे आज भी हमारे वो MBA का फाइनल ईयर याद है जब मैं, राज और वीर रात को कभी फिल्म देखने, कभी नाइट क्लब डिस्को जाया करते थे। और उस रात जब हम तीन ध्यान से जल्दी कर संभल के
कंपनी? नहीं, तू चल, फिर जल्दी कर, फंसेंगे नहीं तो। हम लोग हमेशा बाउंड्री वॉल कूद कर आते हैं, जिस दिन वार्डन ने देख लिया डिग्री रुकवा देगा। अरे बोलते बंद कर, अगर वॉचमैन ने भी देख लिया तो भी हमें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। और ये क्या पानी की बोतल मुंह में लगाए रखता है जैसे बच्चों की तरह दूध पी रहा हो? बकवास बंद करो तुम दोनों, ये सोचो कि शहर कैसे पहुंचेंगे, अगर लेट हो गए तो रात का शो भी निकल जाएगा। और पता नहीं कौन से जुरासिक पार्क में हमारा हॉस्टल बना हुआ है। चलो 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 सो गया। चलो यार चलो। ये कैसे पहुंचेंगे, शो का टाइम हो रहा है। चलो यार चल रहे हैं यार। मैं क्या सो गया, सड़ा हुआ गाना गा रहा है यार ये। यहां सोचिए कैसे पहुंचेंगे। कोई गाड़ी गाड़ी, रुक 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 कुत्ते। ओ यार कोई गाड़ी नहीं रुकती यहां पर, क्या जगह है ये? शो का टाइम भी खत्म हो रहा है यार। यार मैं आधी पिक्चर नहीं देखूंगा, चलो वापस चलते हैं। अरे सुनो थोड़ी देर रुको, कोई गाड़ी नजर आ रही है यार। अरे ये शहर से कॉलेज की तरफ जा रही है, इससे हमें क्या लेना? तेरी क्या हुआ ड्राइवर? गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं, मैं पत्थर से रोड ब्लॉक किया हुआ है। अरे कौन हो तुम लोग? अरे ओ शिट। She's all right. आप लोगों ने उनकी जिंदगी बचा दी, मामूली bruises हैं, कल शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। क्या आप लोगों को मालूम है किसकी जिंदगी बचाई आप लोगों ने? नहीं। यशोधरा देवी ओबराय ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकलौती मालकिन। थैंक यू। आज आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। खाओ, ट्राई करो। नहीं, थोड़ा प्लीज प्लीज माँ। लो ना बेटा खाओ। आइए सरप्राइज सरप्राइज। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? आइए आइए, अपने ही घर में है हम माँ। आइए। अच्छा बॉयज खोले। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू सो मच। कम ऑन कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। चलो माँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू। ये कितना खुशी का दिन है आज। मैं प्रदीप। हैव मोर। मॉम ब्लेसिंग दीजिए, आज आज आपका बर्थडे है। जीते रहो।
बेटा, तुम लोगों की पढ़ाई खत्म हो गई, अब तुम लोग जा रहे हो। इन 6 महीनों में तुमने हमें 6 जन्मों का प्यार दे दिया। अब हमारी कोई औलाद तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार ने हमारी वो कमी भी पूरी कर दी। बेटा, इसे अपना घर समझना और यहां आते रहना, नहीं तो मैं डांटूंगी। हाँ, अच्छा बेटा, अच्छी तरह जाना, मुझे फूल मत जाना, ये तुम्ही लोगों का घर है। माँ, जीते रहो, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहो। यशोधरा माँ का एहसान हमें मिला। रेडी भाई, लेट्स गो। चलो, एक्सक्यूज मी। राहुल साहब, जो दौलत बिना मेहनत के हाथ लग जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती। एनीवेज, बहुत बहुत मुबारक हो आप तीनों को। शुक्रिया जी, आपकी बात का बहुत सॉलिड जवाब है मेरे पास, लेकिन वो जवाब देके हम आपसे संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते। क्या पता कल आप किसी मुसीबत में फंसे और हम आपके काम आए। हाँ हाँ, और फिर आप भी अपनी तमाम दौलत और प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। ऐसी अपॉर्चुनिटी हम खो नहीं सकते। क्यों? एक्चुअली वी कैन अफोर्ड टू लूज एनी अपॉर्चुनिटी। कुछ जलने की बू आ रही है, क्यों वीर? हाँ, मुझे भी आ रही। मल्होत्रा साहब, कहीं आपका दिल तो नहीं जल रहा? चलिए ढोलकिया साहब, चलिए। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। लेट्स पार्टी गाइस। या हाउस
कब मिले खुशियों के ये लम्हे ना जाने कब खिले तो गाओ ना हो तो गाओ ना हो तो गाओ ना हो तो गाओ ना हो इतने सारे पैसों का एहसास आज पहली बार हो रहा है। By God, सारा दिन मस्ती की, अभी भी कितने फ्रेश लग रहे हैं। पता है, जब इंसान के पास पैसा आता है ना, तो वो खुद बखुद एनर्जेटिक हो जाता है। ये सब यशोधरा माँ की मोहब्बत की वजह से आज हम लोगों की कमी कितनी महसूस हो रही है नहीं True. इसी बात पर चीयर्स करो उनके लिए। All right. Cheers. Cheers. वीर, चलो अब हम चलें। चलना है? Yeah. चलो फिर चलते See you guys. See right. you then. Yeah. See you. Bye-bye. चलो हम भी चलते ओके राहुल तुम भी चलो तुम लोग चलो हम आते हैं we'll meet tomorrow. Absolutely. Yep. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Nice meeting our friends now. Yes, of course. Hello? Veer, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी मुझसे मिलो. क्या बात है रूबी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? पहले तो मिलो तो सही. अरे बाबा, हम मुंबई से 150 किलोमीटर दूर हैं. इतनी जल्दी नहीं आ सकते. हम कल मिलेंगे. तुम लोगों की जान खतरे में है. लगता है कोई आ रहा है. मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ. ओके? रूबी तुम्हारा पीछा कब छोड़ेगी? शायद उसने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया होगा तुम उससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते वो तो खुद तुम्हारे लिए खतरा है She is gone mad. तुम छोड़े सारी बातें चलो हम चलते चलो किससे हमें खतरा हो सकता है अरे बाप रे इतने सारे ब्रांड के गुटके आपको मालूम है बैन होने वाला है ये सेहत के लिए हानिकारक भी है जी 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 लेकिन साहब पेट भी तो पालना है
खतरा खतरा मैडम, डेंजर डेंजर। अरे मैडम घबराइए मत, ये पागल है, रोज ऐसे ही करता रहता है, कुछ नहीं करेगा ये, जाइए जाइए। चल भाग यहाँ से, सबको तंग करता रहता है। पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था बेचारा। अच्छा, लाइट का झटका लगा और पागल हो गया। तब से ऐसे ही ड्रामे करता है। विटनेस है जी? मैं हूँ जी, मैं। आपके सामने हुआ सब जी? ओके देवेंदर जी, साहब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ जी, मैडम को पुलिस स्टेशन साथ लेकर आओ और इसे भी साथ ले आओ जी। टुया मर गई। चुप, टुया मर गई, अलीबाग से आया क्या? चलिए मैडम चल। देश की फाइनेंशियल कैपिटल में सुरक्षा तंत्र पर एक बार फिर सवाल या निशान उठ गया है। आखिर मुंबई वासी कितने सुरक्षित हैं? पुलिस को एक चश्मदीद गवाह मिल गया है जिसने एक आदमी को पागल के हाथ में पिस्तौल देते देखा था। ठीक है, मुझे खबर करते रहना। जय हिंद। हाँ तो मिसेस खन्ना, मुझे अपना बयान दीजिए। जी हाँ, मैंने उसे काफी नजदीक से देखा। मैंने सोचा पागलों से तो लोग छेड़छाड़ करते ही रहते हैं। आप वहाँ क्या कर रहे थे? पास में ही मेरी ऑफिस है, मैं जा रही थी तो मैंने देखा। Hands up! डर गया लेगा क्या करेगा? खेलूंगा। वो मैडम को डराएगा उसको? हाँ, जा, उसे डरा दे। उसे? हाँ, जा। ये मैंने इतना ही देखा। आप हमें उसका हुलिया बता सकती हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ। ठीक है, आप हमारे स्पेशलिस्ट को उसकी डिटेल्स दे दीजिए। बैग लेकर जाओ। ठीक है साहब, चलिए। हाँ। क्यों बे, एड़ा बन के पीड़ा खा रेला, हैंड्स अप करके सबको डरा रेला है? उस बेचारी को ऊपर भेज दिया तूने, बोल क्या वजह थी, किसके कहने पर गोली मारी तूने, बोल। हैंड्स अप। Shut up! Shut up! Everybody shut up! क्यों बे? अब तू हमें भी डरा देगा? हवलदार देवेंद्र ने ना बड़े बड़े लोगों से सच्चाई उगलवा ली है। बोल, किसका आदमी है तू? किसके कहने पर उस औरत को तूने मारा? बोल! हाथ खाली करा साहेब यनार। साहब आ जाएंगे? पूरी नाकाबंदी चाहिए मुझे, पूरी नाकाबंदी। कोई भी व्हीकल बगैर चेकिंग के अंदर नहीं आनी चाहिए, समझ गए ना? मेगा भी मिस्टर खान। आइए आइए। हाय। ओके, कीप इन टच विद मी। बैठिए बैठिए। हाउ आर यू? ऑल वेल, प्लीज हैव अ सीट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय। हेलो।
आपके चैनल के लिए एक बड़ी खबर है। टेररिस्ट साइकिल बॉम्ब, कार बॉम्ब, ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल तो करते रहे हैं, लेकिन जिसने भी रूबी का कत्ल किया है उसने एक पागल का इस्तेमाल किया है। What? पागल का इस्तेमाल? जी हाँ, वही पागल जो मुंबई के फिल्म स्टूडियोज के बाहर घूमता रहता है। उसे हम जानते हैं। उसी पागल के हाथ में पिस्टल देकर किसी ने रूबी का कत्ल कराया है। वीर कौन है? सर वीर मैं ही हूं। रूबी के मोबाइल पर लास्ट डायल नंबर आप ही का है। आप बता सकते हैं कि रूबी ने आपको फोन क्यों किया था? उसने कल रात को मुझे फोन किया कि मैं यानी हम सब लोग उससे जल्दी मिले, क्योंकि हमारे लाइफ को थ्रेट है सर। तो क्या आप उससे मिले? नहीं सर, हम मुंबई से 150 किलोमीटर दूर अपने फार्म हाउस पर थे। मैंने उससे कहा कि कल ही मिल पाऊंगा और आज यहाँ पहुंचा तो। मिस्टर वीर मैं फिर बुलाऊंगा आपको पूछताछ के लिए। अच्छा ये बताइए कि रूबी काम कहाँ करती थी? मिस्टर राकेश मल्होत्रा के यहाँ, अक्षर एनजीओ चलाते हैं। आप लोगों का उनसे कोई रिलेशन? नहीं, हमारा कोई उनसे रिलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ यशोधरा ओबेरॉय की विल में उनके साथ साथ हमें भी शेयर मिला है। इंटरेस्टिंग। हमें शेयर मिलने पे नाराज लग रहे थे, जैसे यशोधरा माँ उनकी अपनी माँ हो और उनका हक छीन के हमें दे दिया हो। आई सी। साहेब ये स्केच मिसेस खन्ना के मुताबिक ये उसी आदमी का स्केच है जिसने उस पागल को पिस्तौल दिया था। ऑलराइट देवेंदर, सारे पुलिस स्टेशन्स को इन्फॉर्म करो। जी साहेब। मीडिया को न्यूज़ दो कि सुलिया का कोई भी आदमी नजर आए तो फौरन हमें खबर करें। सारी मुंबई को सील कर देता हूं। कहा जाएगा शफीक खान से बच के। मुझे कानून के साथ खिलवाड़ कतई पसंद नहीं। Here's the man. राहुल अपने चैनल पे आप ये फेस स्लैश कराइए। All right, gentlemen. Okay. Be careful. हाँ। Bye, Mr. Khan. Let's go. Thank you. Control room. सारे बॉर्डर सील कर दीजिए। जी हाँ। Airports, railway stations, bus stands, waterways. I want everything covered and checked. All right? देखा मेरे शातिर दिमाग का कमाल। हमने उस पागल का इस्तेमाल करके रूबी का काम तमाम कर दिया और उसको उसके सही जगह पहुंचा दिया। अब ये खून हमारे नाम नहीं आएगा। हाँ यार ये तो कमाल हो गया। मैं तो यूं ही डर रहा था कहीं खेल खराब ना हो जाए। पार्टी के पास से माल आ गया। पुलिस तुम्हारी फोटो न्यूज चैनल पे फ्लैश कर रही है। उन्होंने मुंबई बॉर्डर भी सील कर दिया है। मुझे आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई और आगे भी नहीं पकड़ पाएगी। मुझे दुख है कि मेरे स्टाफ में जो सबसे काबिल वर्कर थी अब इस दुनिया में नहीं है। कितना क्रूएल होगा वो जिसने दो इंसानों को खत्म कर दिया, एक रूबी को और दूसरा उस पागल को। रूबी के जाने से मेरे काम पे असर पड़ेगा। इंस्पेक्टर आपको जो हेल्प चाहिए मैं दूंगा, बट द कल्प्रिट शुड बी बिहाइंड बार्स। मुझे ये बताइए कि रूबी की आपके स्टाफ में किसी से दुश्मनी या आपसे रंजिश? नहीं साहब नहीं, सारे लोग उसे बहुत चाहते थे। अब तो वो तीनों राहुल, राज, वीर ही बता सकते हैं कि उसकी किसी से दुश्मनी थी या नहीं, क्योंकि वही उसके अच्छे दोस्त थे। ओके मिस्टर मल्होत्रा, आई विल बी सीइंग यू अगेन। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। ओके इंस्पेक्टर। वाह
मल्होत्रा साहब वाह, क्या दुख जताया आपने रूबी के लिए, वाह। हमारे ऑफिस का सारा काम समझती थी वो, सारा काम, लेकिन वो उन तीनों की दोस्त थी जिन्होंने मेरा हक छीनने के लिए मेरे अधिकार को धिक्कार दिया। मल्होत्रा साहब देखिएगा, ये सब के सब बर्बाद होंगे, सब के सब, और जिन्होंने आपको बेचैन किया है ना, वो कभी चैन से नहीं बैठेंगे, देख लीजिएगा। हाँ देवेंद्र, ये केस जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही सिंपल भी है, और जितना सिंपल है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड जी साहब। पर साहब ये कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है साहब? तुम कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझते साहब? ए से लेकर जेड तक पूरी अंग्रेजी पढ़ी साहब। हाँ। और उसमें कॉम्प्लिकेटेड कहीं आया ही नहीं। कोई बात नहीं, अरे हमारे कितने मंत्री हैं जो कुछ नहीं जानते, और तुम तो संतरी हो, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा ये बताओ जी, तुम्हारा क्या ख्याल है इस केस के बारे में? सर मेरे को तो सारे केस में वीर ही दिखाई देता है। देवेंदर, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। जी साहब बिल्कुल ठीक साहब, जैसे आप बाहर इतने कड़क और घर में भाभी जी के सामने। तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे नहीं। मुझे तो तुम्हारे प्यार की जरूरत है, जिसे तुम देना ही नहीं चाहते। तुम इतने पैसे लाती कहां से हो? जानकर क्या करोगे, फिर भी जानना चाहते हो तो बता देती हूँ। मल्होत्रा के बहुत बड़ी बड़ी डील्स होते हैं, और जितने भी उसके क्लाइंट्स हैं मुझे अपना शेयर दे ही देते हैं। मुझे थोड़ा बिजनेस के लिए जरूरत है, मैं इसे वापस कर दूंगा। इसे वापस मत करो, थोड़ा सा प्यार दे दो, मुझे उसकी जरूरत है। रूबी, प्यार के अलावा भी रिश्ते होते हैं। दुख दर्द बांटने के, इंसानियत के, दोस्ती के। दोस्ती तुम करो, प्यार मैं करूंगी, और इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। मैं चलूं? ये मैं कैसे कह सकती हूं। थैंक यू रूबी, थैंक यू। रूबी का भूत तुम्हारा पीछा कब छोड़ेगा? कम ऑन वीर, तुम उसे भूल जाओ। वो चली गई, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गई, और तुम उसकी याद में डूबे हो। नहीं शाइना, उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। वो चली गई, उसका कातिल और हमारा दुश्मन अभी भी जिंदा है। वो साला मेरा पहला और आखिरी टारगेट है, ठोक दूंगा उसे। उसको ठोक दोगे और जेल चले जाओगे? मेरे बारे में सोचने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है ना? शायद मेरे ही प्यार में कुछ कमी है, मेरा क्या होगा इसके बारे में भी सोचो जरा। नहीं शाइना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बगैर जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। रूबी के मेरे ऊपर एहसान है, इसीलिए उसके कातिल को पकड़ना मेरा फर्ज है। ठीक है, लेकिन तुम किसी को नहीं मारोगे, ये काम पुलिस का है और पुलिस पर छोड़ दो। ठीक है, जो आप कहो माय लव, जो आप कहो। आप तो स्विमिंग कर सकते हैं? श्योर। चलो। अरे ये।
रूबी का मर्डर तब हुआ जब विल अनाउंस की गई। अच्छा ये बता, वो पार्टी में क्यों नहीं आई? तानिया, वीर शाइना से प्यार करता है और रूबी को तो कभी उसने चाहा ही नहीं। जरा सोचो, शाइना के प्रेजेंस में वो रूबी को पार्टी में कैसे बुलाता? राहुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीर ने ये क्यों नहीं बताया कि उसी वक्त उसे रूबी ने कॉल किया था, और वो भी ये बताने के लिए कि तुम तीनों की जान को खतरा है। Why? और फिर तब उसने बताया जब पुलिस उसका कॉल ट्रेस कर चुकी थी। वीर क्यों कर रहा है ऐसा? शायद रूबी हमें मल्होत्रा के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। शायद। एनीवेज, चलते हैं। मुझे उनके काम करने का तरीका बहुत पसंद आया। रूबी की हत्या एक अजीब सी कहानी बन गई है। देखते जाइए मल्होत्रा साहब, ये पैसे इनके लिए मौत का जाल बनते जा रहे हैं। बोला क्या? धीरे बोला करो। इन हवाओं को भी अब आदत हो गई है यहां से वहां तक बात पहुंचाने की। रूबी भी इन्हीं हवाओं की शिकार हुई है। बहुत कुछ जान चुकी थी वो मेरे बारे में। ये हवाएं, रूबी को इन्हीं हवाओं ने अपने अंदर समेट लिया। ये हवा। बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। दुनिया की नजरों में गिरा दिया गया है मुझे। जिस स्टेट की न्यू मेरे पुरखों की वफादारी और ईमानदारी की ईंट पे टिकी हुई है, वही से धक्का लगा है मुझे। यशोधरा देवी के जाने के बाद सब कुछ मेरा होना चाहिए था, सब कुछ। ये अधिकार मेरा था, सिर्फ मेरा। अधिकार? अरे छीनने का अधिकार है आपको। वो कैसे? यशोधरा देवी ने जाने अनजाने में आपके हक में एक अच्छा काम कर दिया है। वो क्या? अगर ये तीनों गुम हो जाएं, तो सारी प्रॉपर्टी आपके ट्रस्ट में चली जाएगी। हाँ तो ले आओ अलादीन का चिराग। जी, वही चिराग जिससे तीनों गायब हो जाएं। मल्होत्रा साहब, हादसे में लोग मरते भी हैं। हादसा? सही कहा तुमने ढोलकिया, हादसा। मल्होत्रा साहब, 900 करोड़ रुपए मिलने के बाद हमें भूल मत जाइएगा। कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मल्होत्रा साहब, यह दौलत तो सिर्फ आप ही को मिलेगी। चलो देव, लेट्स गो। जी साहेब। साहेब, हाँ। ये अचानक आपको एनडीवी क्लब जाने की क्या सूझी? अरे वहां बहुत से लोग आते रहते हैं, शायद हमारा शिकार हमें वहां मिल जाए। और खास तौर पर राजवीर और राहुल अक्सर शाम को वहां होते हैं, शायद वो भी हो जो उनके पीछे लगा है। साहेब, मेरी बहुत तमन्ना थी एनडीवी क्लब देखने की। क्यों? साहेब, वहाँ की डांसर कैटरीना है ना, बहुत बढ़िया डांस कर। देव, सॉरी सर, मैं तो ड्यूटी पर हूँ। देख रहा हूँ किस ड्यूटी पर हो। हाय, तुम यहाँ? क्या बात है, फ्री में मिली हुई दौलत को अकेले एंजॉय कर रहे हो? बाकी के दोस्त कहाँ हैं? मल्होत्रा साहब, शायद आपके चश्मे का नंबर थोड़ा गड़बड़ है। मेहनत से कमाई हुई दौलत और किस्मत से हासिल हुई दौलत को हम और हमारी मंगेतर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और रहा सवाल दोस्तों का, तो वो भी आते होंगे।
ग्रेट म्यूजिक, वाओ। हाँ भाई, मुफ्त में मिली हुई दौलत ऐसी ही जगहों पे तो उड़ाई जाती है, क्यों? You copy my page, I heard it from my best friends. I'm a veteran in this game, perfected with the aim, corrected when I'm seen, I'm from the West Ends. Rock saying bang like. आप इनके चमचे हैं क्या? अबे चमचा नहीं, मैं इनका लीगल एडवाइजर हूँ, समझा? लीगल एडवाइजर? हाँ. Hey. Hello. Hi. What's up? Hi. Come. Wow. Feel me, baby. गुजर जाओगी प्यार के मोड़ से, खुद में खो जाओगी ये जहां छोड़ के। खूबसूरत पला है पापा, इसलिए तो है सबसे जुदा। खूबसूरत पला है पापा, इसलिए तो है सबसे जुदा। देखना है तो बोलो दिखा दूं, रात का जादू जादू जादू, रात का जादू, रात का जादू जादू जादू, रात का जादू।
अरे मिस्टर खान, आप भी शौक रखते हैं ऐसी जगहों पे आने का, ड्यूटी आवर्स के बाद? हाँ हाँ, साहब तो नहीं, हम रखते हैं। हुजूर, शौक तो हम एक ही रखते हैं, मुजरिमों को उनकी सही जगह पहुंचाना। और रहा सवाल ड्यूटी का, फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, ड्यूटी हमारी 24 घंटे होती है। सही। और फिर जब आप जैसे लोगों की जान को खतरा हो तो हमें ऐसी जगह भी आना तो पड़ता ही है ना। वैसे भी प्रेस और पुलिस का तो बड़ा गहरा रिश्ता है जी भाई। आगे आगे पुलिस और पीछे पीछे प्रेस। जरा अच्छा, चलूं जी? बिल्कुल बिल्कुल, आधा बरसे। यार राज, आज राहुल मल्होत्रा के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छी तरह से जानते हो। नहीं यार, तू ऐसा क्यों सोच रहा है? राहुल मीडिया का आदमी है, उसे हर कोई जानता है और लोग उसे दोस्ती भी करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा पैसों की दौड़ में आदमी अपने दोस्तों को भी धोखा दे सकता है। नहीं, राहुल ऐसा नहीं कर सकता। और मैं कहूंगा इट्स नॉट फेयर, राहुल पर शक नहीं कर सकते, आफ्टर ऑल इट्स लॉयल्टी फॉर फ्रेंड्स। आई होप सो कि हमारे रिलेशन ठीक रहे, लेकिन ये ब्लडी मनी, जब भाई भाई को नहीं छोड़ता तो हम क्या है। लेट्स गो। या चलो चलो चले। Thank you very much. Welcome. Happy to see you, Mr. David. Same here, Mr. Malhotra. आपके बारे में इतना लोगों ने मुझे बताया कि अब मुझे ये लगने लगा है कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। Oh, really? Please sit. Thank you. David, you're right. Yeah. You're okay. Be there. कैसा रहा आपका सफर मिस्टर डेविड? मिस्टर मल्होत्रा, कितने बच्चों का अरेंजमेंट हुआ है एंड सारे बच्चे 2 years तक का होना चाहिए? डोंट वरी मिस्टर डेविड, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, इसलिए किसी को डाउट भी नहीं होगा कि मैं ये बिजनेस करता हूँ। हम गरीब बच्चों को खरीद लेते हैं या तो चुरा लेते हैं, और आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाकर लीगली अडॉप्ट करवा देते हैं। जिनके पास बच्चे नहीं होते उन्हें बच्चे मिल जाते हैं, और यहाँ जिनके बच्चे खो जाते हैं, नहीं मिलते, तो रो धोकर खामोश हो जाते हैं और दूसरा बच्चा पैदा कर लेते हैं। मिस्टर डेविड, इस काम में बहुत खतरा है मीडिया और इंटेलिजेंस का। एक्सीलेंट मिस्टर मल्होत्रा, and take your money. Thank you. Mr. David, इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं। Next month आप तक सारे बच्चे पहुंच जाएंगे। God. Thank you, Mr. Malhotra. I'll see you there in Australia, okay? Thank you. Most welcome. Bye. Congratulations, sir. Thank you. Operation successful, sir. Good job. Save the program. मेरी बात गौर से सुनो जी। जो कुछ मैंने तुमको बताया ना वो कर डालो। जी सर। डरने की जरूरत नहीं है। ओके। मैं बैठा हूँ ना, फिक्र मत करना। जी। अरे अरे वीर बाबू, अरे अरे कहाँ घूम रहे हो? वो अभी पैदल है? अरे भाई, तुम्हें तो मर्सिडीज गाड़ी में घूमना चाहिए, मुफ्त का पैसा जो मिला है तुम्हें। गाड़ी रखो। क्या हुआ वो देखो। मल्होत्रा पे मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है, लेकिन अपने ही दोस्त इनके साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था वीर पे ट्रस्ट मत करना,
अब तो अपनी आंखों से ही देख रहे हो तुम। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है मिस्टर ढोलकिया, तो उसे दूर कर दूं? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। नहीं नहीं, मल्होत्रा भी कुछ यही कह रहा था। चलो। हाँ तो मल्होत्रा सही कह रहे थे, तुम्हें तो मुफ्त का और हराम का पैसा मिला है ना। अबे ढोल, मल्होत्रा के चमचे, हराम का मल्होत्रा खाता है क्योंकि वो हरामी है। हमें पैसे हमारी किस्मत से मिले। ठीक है बेटा, तुझे तो मैं कोर्ट में देखूंगा। मैं तुझे कोर्ट के अंदर, तू बोल तो कोर्ट के बाहर, जहां तू बोल, बोल तो यहीं देख लूं। चला डबी बेटा। वीरू, कोर्ट में ले जाकर मैंने तेरा ढोल नहीं बजा दिया ना, तो मेरा नाम भी ढोलकिया नहीं। आज मल्होत्रा पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अगले महीने जब वो बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजेगा, हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करवा देंगे। काफी सारे उसके गलत धंधे हैं, यू नो, जैसे मसाज पार्लर एंड सो मेनी, जहां पर काफी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं एंड यू नो रॉन्ग स्टफ हैपन। इनफैक्ट काफी दिनों से मैं उसका स्टिंग ऑपरेशन करना चाह रहा था। या ये मल्होत्रा का सीक्रेट फाइल, एंड टेक दिस कैमरा आल्सो। ग्रेट, या थैंक यू डेविड, मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर, बाय। आज सिमरन को तंग करता हूँ, पंगा लेता हूँ उससे। राज, राज, I'm here। यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे इस ड्रॉप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ तुम्हें आजमाऊं, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। What? किचन में आजमाना? तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो। I'm very serious। अगर किचन में आग लग जाए और मैं उसमें घिर जाऊं, तो तुम मुझे कैसे बचाओगी? लेकिन किचन में आग लगेगी क्यों? क्यों? नहीं, अगर मैं ही आग लगा लूं तुम्हें आजमाने के लिए। अरे सिमरन सुनो। अरे क्या हुआ सिमरन, क्या हुआ? बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें मुझे तकलीफ देके, मुझे यूं रुला के। जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा, तब पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I'm so sorry, सिमरन। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मैं तो मजाक कर रहा था। Oh, I love you, सिमरन। सिंगापुर की डिलीवरी रिपोर्ट तैयार है? जी सर। नंबर ऑफ कंटेनर्स? 16 कंटेनर्स सर। ओके ठीक है, उसे डिस्पैच कर दो। ठीक है सर। और ये जो फरीदाबाद का स्टॉक है उसे भिजवा दो। ओके सर। स्पेन से जो गुड्स आए थे उसकी डिटेल्स आए? जी नहीं सर। आई वॉन्ट टू नो द डिटेल्स ऑफ ऑल माई डिलीवरी बॉयज बाय टुडे। श्योर। एंड असाइनमेंट वाज सपोज्ड टू गेट डिलीवर्ड बाय टुमारो। हाय वीर। हाय राज, हाउ आर यू? फाइन फाइन। रिक्वायरमेंट्स भेज देना मुझे। क्या कर रहा है यार, चल ना क्लब चलते हैं। आगे हो वापस और रुका, ये कोई वक्त है क्लब जाने का? काम खत्म करते चलते हैं। अरे काम कल कर लेंगे यार, आज क्लब चल। हाँ हाँ, हम काम किसी और के लिए कर रहे हैं ना, ये अपना काम है। अगर टाइम पर डिलीवरी नहीं दी क्लाइंट्स को तो किसी और के पास चले जाएंगे। So boring। अरे यार आज थोड़ा टाइम रुक जा यार, शाम होने को है, चलते ना यार।
रोजी, गो एंड एक्सेस द चैनल कोड। यस सर। क्विक। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का शूट रेडी है ना? हाँ, बस उसकी लोकेशन। हाय। हेलो बड़ी, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल, हम अभी भी जिंदा हैं, बच गए, वन पीस, नो फ्रैक्चर, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा प्लान फेल हो गया। स्टॉप दिस नॉनसेंस राज, बताओ क्या बात है? ऐसे नहीं राज, इसका नाटक तो मैं खत्म करता हूँ। ये क्या है वीर, तुम पागल हो गए हो? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें खत्म करने से पहले मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने हमें मारने की कोशिश क्यों की? हमारे हिस्से का पैसा लेने के लिए तुम इतना गिर गए? Are you crazy? राहुल, कंटेनर यार्ड में जिसने हम पे हमला किया, हम पे गोलियां चलाई, उसके पास से तुम्हारा ये कार्ड मिला है। अरे मेरा कार्ड तो हजारों लोगों के पास है, इसका क्या मतलब? क्या हो रहा है ये सब? राहुल, ये सब क्या हो रहा है? वीर, ये काम मुझे भी आता है। तानिया इनका कहना कि मैंने इन पर अटैक करवाया है ताकि इनका हिस्सा भी मुझे मिल जाए। छी, कितनी गलत सोच है तुम लोगों की। मैंने क्लब में तुम्हें और मल्होत्रा को साथ में देखा था। तो इसका क्या मतलब? मैं मल्होत्रा के साथ मिलकर अपने दोस्तों का खून करवाऊंगा? मैंने भी तुम्हें ढोलके के साथ देखा था। मैंने कुछ कहा तुमसे? अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो किसको फायदा पहुंचेगा? राहुल, प्लीज गिव दिस टू मी, प्लीज राहुल। वाकई यार, हम एक दूसरे पे गलत शक कर रहे हैं। वी हैव टू बी केयरफुल इन फ्यूचर। सॉरी यार। इट्स ऑलराइट, ये सब पैसों की वजह से हो रहा है। वी शुड बी केयरफुल अबाउट अ रिलेशनशिप। यार वीर, हमें एक दूसरे पे डाउट नहीं करना चाहिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी सोच समझ इतनी गलत कैसे हो गई। तानिया, प्लीज हमें कॉफी पिलाओ। मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू। आओ वीर, मुझे बताओ हुआ क्या। कम। नो नो, आई एम जस्ट फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मुझे कौन मारेगा राज? नथिंग टू वरी, आई विल कैच दोज बगर्स। ओके, लेट मी कॉल यू बैक। क्या हुआ? मुझे सब मालूम हो गया है। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहती। कंटेनर यार्ड में इतना बड़ा हादसा। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत मुझे मौत के मुंह से खींच लाई। भगवान भी जानता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, वो हमें जुदा नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी दैट मर्सीलेस। अभी तो शॉपिंग कराना बाकी है, हनीमून बाकी है। व्हाट? मेरा मतलब शादी के बाद। वेरी फनी। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? जिसने भी हम पे हमला किया है उसे ढूंढ निकालूंगा मैं। यू लव मी, आई लव यू, बीच में जो आएगा उसे ठोक दूंगा मैं। कभी रोमांटिक बातें भी किया करो, ठोक डालूंगा, मार डालूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आता तुम्हें? हाँ हाँ आता है ना, बहुत आता है, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिकल है। अभी बताता हूँ, वो क्या है कि जरा सा, वो क्या है कि वो जरा सा, अरे अरे सुनो सुनो। क्या है ये, कभी पंचिंग कभी बॉक्सिंग, व्हाई आर यू सो रेस्टलेस? ताने, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि पैसों को लेकर हम दोस्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। पता नहीं कौन क्या सोच रहा है, और ऊपर से वीर, उसे मुझ पर रिवॉल्वर ताना, लाइक यहाँ तक सोच सकता है वो? इट्स ओके, रिलैक्स, कॉफी पिलाऊं? नहीं, मूड नहीं है। कुछ और पिलाऊं? Keep looking at me. इश्क
है, इश्क अदा है, इश्क नशा है, इश्क मजा है, इश्क वफा है, इश्क अदा है, इश्क नशा है, किस इश्क के चक्कर में पड़ के दिल हो गया, हो गया। कितना खूबसूरत है ना ये लेक, ये जंगल और ये तन्हाई। सिमरन, जब तुम साथ होती हो तुम्हारे सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता। जी चाहता है तुम्हें ही देखता रहूं, तुम्हें ही प्यार करता रहूं। अब चलो, मुझे बहुत देख लिया। ओहो, मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेट्स हैव पिज़्ज़ा। ओके माय लव, लेट्स गो।
ऑन करो ना। ये एसी कहीं खराब तो नहीं हो गया? ये धुआं क्यों निकल रहा है? अरे हाँ, ये धुआं। राज, गाड़ी रोको। राज, गाड़ी रोको। अरे सिमरन, अरे लॉक सिस्टम को क्या हो गया? अरे जब बोला है मुझे हर चीज की रिपोर्ट चाहिए तो एक्सक्यूज क्यों दे रहे हैं आप? हाँ, इमीडिएटली आप मुझे बताइए, बाद में बात करते हैं। देखिए, शायद कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई और जहरीली गैस, ये तो कल पता चलेगा रिपोर्ट मिलने के बाद। लेकिन ये डेफिनेट है कि ये एक जहरीली गैस की वजह से हादसा हुआ है जो कि कार के एसी में से निकली है। राज कैसा है? देखिए, राज के लंग्स में जहरीली गैस भर गई है, हम उसे निकाल रहे हैं। He will be all right. लेकिन सिमरन सरवाइव नहीं कर पाए। She is dead. डॉक्टर, क्या मैं राज से मिल सकता हूँ? No, not now. At least after 4 to 5 hours. लेकिन हम उसे शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। Okay, डॉक्टर। डॉक्टर, हम दोस्त जाके मिल सकते हैं उनसे? इस वक्त उसे हमारी बहुत जरूरत है डॉक्टर, प्लीज। नो, एक्सक्यूज मी। जी राहुल, वीर, मुझे ये एक्सीडेंट का केस नहीं लगता। एज फार एज आई कैन सी, इट्स अ प्लान्ड अटैक। पुलिस मुंबई और आसपास के शहरों में तहकीकात कर रही है। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। मैं डे नाइट इस केस पर लगा हूं। वो कौन है समझ तो नहीं आ रहा, पर उसका अंजाम जरूर भयानक होगा। खान साहब, अभी तक तो हमारा अंजाम भयानक हो रहा है। वो जो भी है अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहा होगा। ही मस्ट बी सेलिब्रेटिंग। कब तक? खान से कोई भी मुजरिम कब तक बच पाएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपको कोई दुश्मन या आपको किसी पर कोई डाउट? इंस्पेक्टर खान, मैं एक मीडिया का आदमी हूँ और राज और वीर एक बिजनेसमैन। कुछ लोग हमसे जेलस होते हैं और हमारे कई दोस्त भी हैं। इस वक्त हमें एलिमिनेट करने से सिर्फ एक ही आदमी को फायदा हो सकता है और वो है राकेश मल्होत्रा। राकेश मल्होत्रा, मेरी नजर है उस पर और उसके हर मूव पर। खैर, मैं भी चलता हूं, शाम को आऊंगा राज का स्टेटमेंट लेने। टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू। अब देखिए ना मल्होत्रा साहब, मरना तो राज को था लेकिन मर गई बेचारी सिमरन। करोड़ों रुपए उन्हें मिल रहे हैं और साइड इफेक्ट कहीं और हो गया। मारने वाले ने टारगेट तो राज को ही किया था, लेकिन मजा तो तब आएगा जब ये तीनों आपके रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि उन 900 करोड़ रुपयों पर सिर्फ
और सिर्फ आप ही का हक है। हेलो सर, मिस्टर खान आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, भेज दो अंदर। ओके सर। आइए आइए। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, कैसा चल रहा है सब कुछ? जस्ट पुलिंग ऑन। आपको तो पता है इंस्पेक्टर खान कि मार्केट की हालत कितनी खराब है। सिट। सो तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है। मैं आपका मतलब नहीं समझा इंस्पेक्टर। रूबी वीर की दोस्त है, वो मारी जाती है। राज और वीर पर कंटेनर गिरता है लेकिन वो बच जाते हैं। राज पर दोबारा अटैक होता है लेकिन वो एक बार फिर बच जाता है, और सिमरन मारी जाती है। डोंट यू थिंक ऑल दिस इज प्री-प्लान्ड? इससे मेरा क्या लेना देना है? लेना ही लेना है मल्होत्रा साहब, देना कुछ नहीं। ये लेन देन का बिजनेस बहुत तकलीफ दे होने वाला है। इंस्पेक्टर खान, उनकी आपस में भी तो दुश्मनी हो सकती है, उनमें से एक के मरने से दूसरे का फायदा भी तो हो सकता है। देखिए, मैं एक रिप्यूटेड बिजनेसमैन हूँ, एनजीओ चलाता हूँ, और मैं अपने बिजनेस से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। ऐसा करके मैं अपना रिप्यूटेशन खराब क्यों करूंगा? आई कैन सी दैट, जस्ट वांटेड योर स्टेटमेंट। वैसे जो भी कोई है बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। खुदा हाफिज। एक अजीब सा अननोन सा फियर आ गया है हम लोगों की जिंदगी में। कौन नेक्स्ट टारगेट होगा, किसकी जान जाएगी? राहुल, वी डोंट वॉन्ट यशोधरा मां's मनी। लेट्स लीव दिस कंट्री एंड गो एंड लिव समवेयर एल्स। प्लीज, मैं तुम्हारे साथ किसी और कंट्री में जीना चाहती हूँ। तुम डिक्लेयर कर दोगे तुम्हें यशोधरा माँ के पैसे नहीं चाहिए। राहुल, मुझे सिर्फ राहुल चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ तुम। कम ऑन तान्या, इस तरह डर कीजिए जा सकता है? हम लोग मीडिया के लोग हैं और ऐसे लोगों को हम ही तो एक्सपोज करते हैं। इन फैक्ट वी शुड कैच द कल्प्रिट एंड सेट हिम फॉर अ फेयर डील। और तुम मुझे कह रही हो जाने के लिए? ठीक है राहुल, तुम यहाँ रहो, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है यहाँ। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। तुम चलना चाहो तो चलो, वरना मुझे वहीं अकेले मरने दो। तान्या, मैं तुम्हें मरने दूँ? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? अरे सांसें चल रही है तुम्हारी मोहब्बत के दम पे, और तुम कहती हो मैं तुम्हें मरने दूँ? नो तान्या, नो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम कुछ दिनों के लिए बाहर चलते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और दोबारा मत बोलना मरने जा रही हो, ऐसी बात मत करना दोबारा। I'm sorry, Ra. I love you. I love you too. I love you. आपके प्रोग्राम के बारे में किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। नैनीताल जाना बहुत रिस्की हो सकता है, जंगलों का रास्ता है, आप पर अटैक हो सकता है। मुंबई पुलिस बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आप किसी भी तरह का खतरा उठाएं। एक्चुअली रूबी और सिमरन की मौत के बाद तान्या बहुत सफोकेटेड फील कर रही है, इसलिए मैं उसे कुछ दिनों के लिए नैनीताल ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वहां के अपने काउंटर पार्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको हर संभव सुरक्षा दें। जी थैंक यू। यू आर वेलकम। बाय बाय। ये क्या किया साहेब? आपके सामने सब लोग झुक कर रहते हैं और इसे देखो, जब देखो खड़ा रहता है। तुम क्या बकवास करते रहते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता है। अब मेरे सर पे क्यों खड़े हो? साहेब, घर से बीवी का फोन आया है, उसके बच्चे बहुत बीमार हैं। उसके बच्चे बीमार हैं? तुम्हारे बच्चे नहीं है? मेरे भी हैं साहेब। अरे जाओ यार, दफा हो जाओ यहाँ से। थैंक यू साहेब, थैंक यू साहेब, थैंक यू साहेब। हर वक्त सताते रहते हो, जब मैं नहीं रहूंगी ना तब समझ में आएगा। नहीं रहूंगी, अरे मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा, हर वक्त अपने साथ रखूंगा।
बहुत अकेला हो गया हूँ सिमरन तुम्हारे बगैर, बहुत अकेला। Look who's here. What's up? तुम हमें बिना बताया है राहुल यहाँ पर? Yeah, Raj, you know, Simran के हादसे के बाद Tanya was feeling very suffocated. इसलिए यहाँ साथ ले आया उसे मैं। हाँ राहुल, हमें पता है तुम्हारी फेवरेट जगह यही है। राहुल, ये अटैक हमारे ऊपर ही क्यों हो रहा है? ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अटैक तुम्हारे ऊपर ही हो रहा है, मेरे ऊपर नहीं। डूड, तू कहना क्या चाहता है? व्हाट डू यू वांट टू से? राहुल नाराज ना हो, हमारा इशारा तुम्हारी तरफ नहीं था, लेकिन अगर तुम हमारी जगह पर होते तो क्या सोचते? राहुल, हम सब मिलकर साथ रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, और हम मिलकर फाइट कर सकते हैं अपने दुश्मन से। दैट्स एक्चुअली क्वाइट सेंसिबल। हम सबको ज्यादा से ज्यादा साथ में रहना चाहिए। नाराज ना हो राहुल, सिमरन के बाद राज की जो हालत हुई है वो हम सब समझ सकते हैं। अब हमने फैसला किया है, हम लोग सब साथ रहेंगे और जो भी सिचुएशन होगी मिलकर सामना करेंगे। इसलिए यही आइडिया सबसे ठीक है। ओके, लेट्स गो। ओके, चलते हैं। Wow, have some salad, bro. Little bit, huh? तुम तो खाओगे महाराज? No thanks. इस पोटला में डिनर का मजा ही कुछ और है। I swear. It's great. I'm loving it. Try this. You'll try this. Fine. What a great view, especially at night, guys. It's awesome. Hey girls, better start dieting. हाँ? अरे राज को क्या हुआ? What happened to him? Raj, huh? Raj. What happened? क्या हुआ राज? क्या हुआ? मुझे लगा कोई है। कोई है? या कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे कुछ नहीं, तेरे वहम है। चल चलते हैं। हाँ वहम होगा। लेट्स गो। चलो लेट्स गो। चलो लेट्स गो। कम या शाइना। कम ऑन तानिया, कम फास्ट। बेकार में टेंशन मत ले यार। Are you feeling better? Yeah, it's okay. So good. वीर, वीर, देख यार मल्होत्रा जा रहा है। मल्होत्रा? हाँ देख देख, वो आया होगा कुछ काम से। हमें क्या करना है? चलो चलो चलते हैं। You know, Tanya, I really feel sorry for Raj. पता नहीं कौन है इन सब के पीछे। Who's he? Hey, रुक! कौन है तू? अरे साहब! कौन है तू? अरे साहब! छोड़िए मुझे! हाथ क्यों जेब में डाल रहा था? हाथ क्यों डाल रहा था जेब में? अबे कौन है तू? क्यों हमारे पीछे? अरे रुको रुको रुको! अरे क्यों मार रहे हो यार? छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। पूछो तो कौन है ये? मारूंगा। कौन है? कौन है भाई? बोलो भाई तुम। अरे मैं तो इनको टीवी पर देखते रहता हूँ, मैंने सोचा फोटो ले लूं। इन्होंने तो मार मार के मेरी हालत खराब कर दी साहब।
लगता है मैं तो मर ही जाऊंगा। सॉरी भाई साहब, हालात कुछ ऐसे कि ये सब सॉरी कितना मारा मुझे मिला भाई। आई एम सॉरी। तानिया, मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लाया हूँ। एक ही तरह के दो लॉकेट, एक तुम्हारे लिए थैंक यू और एक मेरी प्यारी शाइना के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू। अगर ये मेले में गुम हो जाए तो इस लॉकेट के जरिए ढूंढ तो लेंगे। वेरी फनी। चीयर अप बॉय, चीयर अप, चीयर अप। सारा मूड खराब हो गया यार। चलो ना राहुल, बोटिंग करने चलते हैं। तुम बहुत अपसेट हो गए हो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। कमाल है तानिया, कैसी भी कोई भी सिचुएशन हो तुम लड़की को कुछ भी सोचता है। I'm not in the mood, baby. यार राहुल, तानिया ठीक तो कह रही है यार, हम सब नैनीताल आए और बोटिंग ना करें, ये कैसे हो सकता है यार। फिर कभी आएंगे तो बोटिंग करेंगे ना यार, आज मूड मेरा भी नहीं है। फिर कभी किसने देखा है राज, पता नहीं हम सब नैनीताल कब आए, बोटिंग तो आज ही करेंगे। तानिया का दिल ना तोड़ो राहुल, चलो बोटिंग करते हैं। ठीक है भाई, जब सबका मूड है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अरे यार चलो ना राज, चलो यार चलते। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो कितनी बार बोटिंग कर चुके हैं, 7 साल चले। जहाँ तानिया का मूड है वहीं चलते। क्या, चलो 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 ना। चलो चलो। राहुल देखो कितनी खूबसूरत जगह है, तुम भी हमें क्या याद करोगे। वीर शुक्र मनाओ, आज हमारी वजह से तुम नैनीताल में हो। Enjoy the place, dude. Love you guys. ये हमारे दिल में तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हें इतना चाहते हैं कि तुम्हारे बगैर रह नहीं पाए और तुम्हारे पीछे पीछे नैनीताल तक चले आए। Love you. For you guys. Yo, Sata. Wow, go, Tanya. Go, Tanya. Go. There you go, Raj. What a romantic day. I'm enjoying myself. That's for you. Yeah. Oh, yeah. 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 आप लोग इस लेक के मैनेजमेंट को देखते हैं, हाँ? आज कितने टूरिस्ट की जान खतरे में है? मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि इस जगह, इस ताल में मगरमच्छ कैसे आ सकता है? तुम लोगों की वजह से आज हमारा दोस्त वीर जिंदा नहीं है। I will not leave you. तुम सबको देख लूंगा मैं, and I will do it.
100 साल की हिस्ट्री है साहब, लेकिन आज तक किसी भी किस्म का कोई जानवर इस ताल में नहीं आया। किसी ने साजिश की है नैनीताल के टूरिज्म को खत्म करने की। वैसे भी इस ताल में छोटी ही मछलियां हैं। हर हफ्ते हमारे कर्मचारी मशीनों से इस ताल की क्लीनिंग करते हैं। अरे फिर भी हमारा दोस्त तो मारा गया। आपको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। राहुल, ऐसा खतरनाक काम सिर्फ मल्होत्रा ही कर सकता है। What? वो नैनीताल में है, उसे अपनी आंखों से मैंने देखा है। पुलिस का संदेह है कि रूबी, सिमरन और वीर का मर्डर करवाने वाला कोई एक ही इंसान है, और अब पुलिस के निशाने पर है मिस्टर राकेश मल्होत्रा। कहा जाता है कि ओबेरॉय की विल राहुल, राज और वीर के नाम पे हो जाने की वजह से ही मिस्टर मल्होत्रा इन लोगों के पीछे पड़ गए हैं। मल्होत्रा साहब, ये राहुल जो है ना, मीडिया का आदमी है, और टीवी वाले जरूर इसकी मदद करेंगे और बिना सबूत के आपको फंसाने की कोशिश। राहुल, तूने मल्होत्रा को छेड़ दिया, गलत किया तूने। बिल्कुल सही कहा मल्होत्रा, बहुत गलत किया। इंडियन पुलिस को कब तक धोखा दे सकते थे? इंस्पेक्टर खान, मुझे लग रहा है कि राहुल ने तुम्हें मोटी रकम दी है। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? मैं देता हूं, ये लो 10 लाख रुपए हैं, और भी दूंगा, सिर्फ मेरे वफादार बन के रहो, बहुत फायदा होगा। राहुल मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मल्होत्रा, खान सिर्फ अपने मुल्क और इस वर्दी का वफादार है। हमारे बाप इस मुल्क के वफादार सिपाही थे। उन्होंने हमें बताया कि अल्लाह उसी से खुश रहता है जो अपने वतन से मोहब्बत करता है, क्योंकि वतन से मोहब्बत ईमान है। और खान अपना ईमान नहीं बेचता, क्योंकि वो अल्लाह का आशिक है, तुझ जैसे दलालों का नहीं। ऊंची आवाज में बात मत कर इंस्पेक्टर, मेरे खिलाफ क्या सबूत है तेरे पास? इस ऑफिस के बाहर जा और मेरे खिलाफ सबूत लेके आ। रोतरा, तुम्हारी दलाली का सबूत है मेरे पास। अब तू नहीं बचेगा मल्होत्रा। देखो इसे, देखो, यह वीर की मंगेतर, और तुमने क्या हालत कर दी इसकी। सबूत चाहिए तुम्हें? ये रहा, है सबूत हमारे पास। सारे बच्चे 2 ईयर्स तक का होना चाहिए। डोंट वरी मिस्टर डेविड, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, इसलिए किसी को डाउट भी नहीं होगा कि मैं ये बिजनेस करता हूँ। हम गरीब बच्चों को खरीद लेते हैं या तो चुरा लेते हैं, और आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाकर लीगली अडॉप्ट करवा देते हैं। जिनके पास बच्चे नहीं होते उन्हें बच्चे मिल जाते हैं, और यहाँ जिनके बच्चे खो जाते हैं, नहीं मिलते, तो रो धोकर खामोश हो जाते हैं और दूसरा बच्चा पैदा कर लेते हैं। मिस्टर डेविड, इस काम में बहुत खतरा है मीडिया और इंटेलिजेंस का। एक्सीलेंट मिस्टर मल्होत्रा, एंड टेक योर मनी। मिस्टर डेविड, इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट मंथ आप तक सारे बच्चे पहुंच जाएंगे। तुम ही ने वीर, सिमरन और रूबी का कत्ल किया है। वैसे अरेस्ट तो मैं तुम्हें सस्पिशन के तहत कर सकता हूं, लेकिन अब बच्चों के किडनैप और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करता है। लॉकअप में कल सुबह तक बाकी का जुर्म भी कबूल कर लोगे। मल्होत्रा साहब, आप फिक्र मत कीजिए, इनको तो मैं कोर्ट में घसीट लूंगा। मैं आज ही जाकर मंत्री जी से मिल लेता हूँ। देवेंद्र। जी सर। अरेस्ट हिम। खान, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। ए, हाथ मत लगाना। अरेस्ट हिम। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। अच्छा व्यवहार तेरे लिए, छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं राहुल, छोड़ूंगा नहीं तुझे राहुल। अबे मल्होत्रा के चमचे, इसको इसके अंजाम तक पहुंचने दे, फिर तेरी बारी है। तू भी इनके साथ जुर्म में शामिल है। तानिया, तुम शाइना को घर लेके चलो, अब पुलिस स्टेशन होकर आते हैं। ओके।
यहाँ पे, यहाँ से कवर करो। जल्दी करो शिंदे। मिस्टर मल्होत्रा, क्या ये सारी हत्याएं आपने कराई हैं? बाद में, बाद में। मिस्टर मल्होत्रा, अभी कोई सवाल नहीं। मल्होत्रा, कुछ बताइए। सवाल पूछिए। बताइए मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। बहुत गलत किया तूने खान, अपनी वर्दी पे बहुत घमंड है तुझे। मिनटों में उतरवा दूंगा ये वर्दी। इन लौंडों के बहकावे में आकर तूने मुझे अंदर कर दिया। तू मुझे जानता नहीं है। इस शहर में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं इस शहर में। अल्लाह की मर्जी है। मिस्टर खान, वी आर प्राउड टू हैव इंस्पेक्टर लाइक यू। अब आप इस आदमी को छोड़िएगा मत। इसने हमारे दोस्त का कत्ल किया है, इसे आप सख्त से सख्त सजा दिलवाइएगा। डोंट वरी, कल सुबह तक ये खुद ही बता देगा कि इसने सिमरन, वीर और रूबी का कत्ल क्यों किया है। ठीक है, हम कल फिर आएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। थैंक्स। नाइक, ख्याल रखना साहब का। मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब, कल तो संडे है इसलिए जमानत हो नहीं सकती है। तो मंडे को मैं किसी न किसी तरह जमानत ले लूंगा और फिर हम लोग केस आगे बढ़ाएंगे और सबसे चुन चुन के बदला लेंगे। बदला तो ऐसा लेंगे कि लोग सुनकर कांप उठेंगे। पहले कार्रवाई पूरी होने दीजिए, फिर देखिए। चलूं? मेरे दोस्त का कातिल मल्होत्रा पकड़ा गया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर उसे कानून ने छोड़ भी दिया तो मैं खुद उसे गोली मार दूंगा। उसने हमारी जिंदगी भी घेर के रख दी यार। मेरे आंखों के सामने वीर, मेरे भाइयों जैसा दोस्त, और मैं कुछ ना कर सका। अब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मल्होत्रा की सजा। वीर, मेरे दोस्त, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं मल्होत्रा से तुम्हारी मौत का बदला लेके रहूंगा। आई प्रॉमिस यू ब्रदर, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, मैं पहुंचता हूं, मैं पहुंचता हूं। देव जी साहेब, मल्होत्रा का ध्यान रखना। मैं लेट नाइट आऊंगा या कल सुबह तक आऊंगा। ओके जी साहेब। मल्होत्रा का ध्यान रखना। बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें मुझे तकलीफ देके, मुझे यूं रुला के। जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रहती। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या बंद करना था। नहीं छोड़ो सिमरन, क्या कर रही हो? छोड़ो, अरे मेरा गला, अरे सिमरन, ओहो। सांसों में तू रवा रवा आँखों में, तू ही मेरी सांसों में। दिन में तू ही रातों में, तू ही मेरे लम्हों में। चुनू सजा है, अल्लाह बीबी, अल्लाह बीबी, तुझे चाहता है दिल। अल्लाह बीबी, अल्लाह बीबी, तुझे मांगता है दिल।
सजाया तुझे ख्वाबों में, तू जिंदगी के इरादों में, तू मेरे प्यार के वादों में, तू ही नशा मेरा तू ही खुमार है, तू ही खलिश मेरी तू ही करार है, हर दम मुझे बस तेरा तेरा इंतजार है। साहिल है तू ही मेरे कदमों की मंजिल है, हाँ तू ही मेरी मौजों का साहिल है, तू ही मेरे कदमों की मंजिल है, मेरी तन्हाई मेरी महफिल है, तू ही मेरी ज़िस्त का हासिल है, तू ही जवाब मेरा तू ही सवाल है, तू ही खुशी मेरी तू ही मलाल है, बस तेरा तेरा ही ख्याल है, हाँ ख्याल है, सुकून भी तू ही मेरा है, सुकून भी तू ही मेरा है, तेरे बिन जीना सजा है। देव क्या हुआ, क्या हुआ इन्हें? साहब समझ में नहीं आ रहा, रात को आखिरी बार खाना खाते हुए दिखा था, सुबह उठाने आया आवाज दी तो बोलती बंद, अंदर आकर लॉकअप खोल कर देखा तो टैं। और आप लोग घोर पड़े शिंदे, क्या कर रहे थे आप लोग? साहब रात में तो ठीक थे, अभी पता ही नहीं क्या हुआ। What the bloody hell? सर रात को तो बहुत टर्टर कर रहे थे। डॉक्टर जरा देखिए प्लीज। सॉरी इंस्पेक्टर, ही इज डेड, शायद खाने में जहर दिया गया है। व्हाट? पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर खान, पुलिस लॉकअप में मौत, इतनी केयरलेसनेस, लाइक आप लोग कितने लापरवाह हो सकते हैं? इंस्पेक्टर आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, मल्होत्रा भी मर गया, आखिर हमारे पीछे कौन हो सकता है? आप या शायद आप या फिर यशोधरा देवी का कोई ऐसा आदमी जो अभी तक हमारी नजरों से बचा हुआ है। पुलिस के शक के दायरे में आप दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, मल्होत्रा की मौत रात को पुलिस लॉकअप में खाने में जहर देने से हुई, अब अपने सिपाही से क्यों नहीं पूछते कि रात को मैं आया था, राज या फिर कोई और? हर आदमी का इंटरोगेशन किया जा रहा है, खाना बनाने वाले से लेकर सिपाही तक। और हाँ, आप लोग मुंबई से बाहर जाए तो मुझे इन्फॉर्म किए बगैर नहीं जाइएगा। इज दैट क्लियर? जिस पे शक था वो भी मारा गया, कौन हो सकता है कातिल? आखिर कौन, कैसे पता लगाए उसका? थैंक्स। मैं जानती हूं हम लोगों की जिंदगी में एक तूफान सा आ गया है, धीरे धीरे मौत बहुत करीब नजर आने लगी है। तुम इंडिया छोड़ना नहीं चाहते,
क्योंकि मल्होत्रा भी कातिल नहीं है, कोई और है। और अपनी पोजीशन बचाने के लिए तुम ये भी डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि तुम्हें रुपए नहीं चाहिए। राहुल, एक सेल्फिश ख्वाहिश है मेरी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो। मैं चाहती हूं तुम मुझसे शादी कर लो। आई लव यू वेरी मच राहुल। मैं जानता हूं तान्या, हम कल ही शादी कर लेंगे। तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए देखे थे जो भी सपने अब हो गए हैं अपने मैं तो बनी हूँ साजन तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए छोड़ना नहीं साले को बच के जाएगा कहां साला खोज उधर खोज मिला क्या नहीं नहीं मिला अभी तो यही था गया कहां
सुके तानिया सुके। आओ बेटा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता राहुल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। मैं जानता हूँ तानिया, बैठो। थैंक गॉड इट्स ओवर नाउ। ये सब तो खत्म हो गया, लेकिन ट्रम्प कार्ड बाकी है। ट्रम्प कार्ड? हाँ, असली कातिल। असली कातिल? क्या कह रहे हो, कौन है वो? अब तुम्हें बता ही देता हूँ। इसकी शुरुआत होती है हम लोगों को विल मिलने से। हम तीनों के पास इतनी दौलत का आ जाना किसी एक इंसान को इतना लालची बना दिया कि बात लोगों की जिंदगी पर आ गई। पहला मर्डर होता है मल्होत्रा के इशारे पर, क्योंकि मल्होत्रा इस बात को हजम नहीं कर सका कि यशोधरा माँ के विल में उसके अलावा भी कोई शेयर होल्डर हो। वो हम तीनों को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहा था कि रूबी ने उसकी बातें सुन ली और उसने रूबी को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि उसकी कॉन्स्पिरेसी को कोई भी समझ सके। उसने हम तीनों दोस्तों में भी आपस में नफरत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बदनसीबी उसकी कि वो ज्यादा कामयाब नहीं हो सका। मैं भी तुम्हारी तरह यही समझता था कि राज और वीर पर कंटेनर से हमला मल्होत्रा ने करवाया, लेकिन हम दोनों गलत थे। तो फिर किसने करवाया था? यही तो ट्विस्ट है कहानी में। कातिल ने तय किया कि हमारी मौत कत्ल न लगकर लोगों की नजरों में एक हादसा लगे। ब्रिलियंट, व्हाट अ मास्टरमाइंड। उसने सबसे पहले राज को मारना चाहा, और वो भी इस तरह कि कोई सोच भी ना सके। उसने राज की कार की एसी वेंट में पॉइजनस केमिकल डाल दिया, और साथ ही कार का लॉक सिस्टम भी ऐसा कर दिया था जिसमें बैठने के बाद कोई बाहर ना निकल सके। राज स्ट्रॉन्ग था, वो ग्लास तोड़कर बाहर आ गया, लेकिन मासूम सिमरन वो जहर के कारण दम घुटने से मर गई। ओह माय गॉड। फिर उसने वीर को टारगेट किया। वीर को मुझ पे शक था, इसलिए राज और वीर मेरा पीछा करते हुए नैनीताल तक पहुंच गए। बहुत कमाल का दिमाग है उस हत्यारे का। कत्ल को हादसा कैसे बनाना है उसका हुनर वो जानता था। उसने वीर को नैनीताल के उस झील में 3 दिन के भूखे खूंखार मगरमच्छ का शिकार बना दिया, जहां पे कोई किसी मगरमच्छ की मौजूदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने बेहद होशियारी से उस झील में मगरमच्छ को छोड़ दिया। तुम्हें 7 ताल में मगरमच्छ छोड़ना होगा। लेकिन उस लेक में तो बहुत लोग होते हैं, गजब हो जाएगा। तुम पैसे लो, लोगों की फिक्र मत करो। अब सवाल यह उठता है कि उस मगरमच्छ ने वीर की बोट पे ही अटैक क्यों किया? वहां और भी तो लोग थे। ब्रिलियंट माइंड उस कातिल का। उसने वीर की बोट के बाहर कच्चा गोश्त बांध दिया था ताकि वो भूखा मगरमच्छ सीधा उसी की बोट पर अटैक करे। कातिल ये सारा खेल मल्होत्रा की आड़ में खेल रहा था। हम, तुम, यहां तक कि खुद पुलिस मल्होत्रा को ही सिमरन और वीर की मौत का जिम्मेदार समझ रही थी, इसलिए वीर की मौत के बाद अचानक पुलिस ने मल्होत्रा को ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब पुलिस कस्टडी में अचानक ही मल्होत्रा की मौत हो गई। लोग, पुलिस, हम सब ये समझ रहे थे कि अगर कातिल मल्होत्रा है नहीं तो कातिल है कौन, और मल्होत्रा से उसका क्या वास्ता। तब मुझे शक उस इंसान पर होने लगा था, क्योंकि जब मल्होत्रा मुझे वहां चैलेंज कर रहा था तब उस इंसान का चेहरा बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने पुलिस मेस के आदमी के साथ मिलकर मल्होत्रा के खाने में जहर मिलवा दिया। ये लो तुम्हारा इनाम। और फिर जो 2 लोग मुझे और राज को खत्म करने वाले थे, उस इंसान ने उन्हें जाकर मना कर दिया। राहुल को मारने का प्लान खत्म।
और हम राज को भी नहीं मारेंगे। लेकिन याद रहे, राहुल को कोई नहीं छुएगा, क्योंकि अब मैं राहुल से प्यार करने लगी हूँ। लेकिन सौदा तो 1 करोड़ का हुआ था। सिर्फ 10 लाख मिले हैं, हमें हमारे 90 लाख दे दो, हम किसी को नहीं मारेंगे। दे दूंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। धोखा, मुझे डबल क्रॉस करके आज तक कोई नहीं बचा। तुम सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम हो तान्या। तुम हो, वो तुम हो, तुम हो। याद है ये लॉकेट वीर ने तुमको दिया था? तान्या, मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा लाया हूं। एक ही तरह के 2 लॉकेट, एक तुम्हारे लिए, थैंक यू, और एक मेरी प्यारी शाइना के लिए। वीर इस लॉकेट के जरिए मुझ पर नजर रखना चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से चला गया। आज रात जब मैं वॉशरूम गया, क्या हुआ? 1 मिनट अभी आया। ओके। राहुल को मारने का प्लान खत्म, और हम राज को भी नहीं मारेंगे। लेकिन याद रहे, राहुल को कोई नहीं छुएगा, क्योंकि अब मैं राहुल से प्यार करने लगी हूँ। लेकिन सौदा तो 1 करोड़ का हुआ था। सिर्फ 10 लाख मिले हैं, हमें हमारे 90 लाख दे दो, हम किसी को नहीं मारेंगे। दे दूंगी, इतने पैसों का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। राहुल के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और हाँ, राहुल को हाथ लगाया तो तुम लोगों की जान भी नहीं बचेगी। राज। हाँ राहुल। जल्दी घर आ जाओ और इंस्पेक्टर खान को भी खबर कर दो प्लीज। इस वक्त? हाँ, जरूरी है कुछ। राहुल आया। क्यों किया तुमने ताने ये सब? क्यों? मेरा तो सब कुछ तुम्हारा ही था। तुमने तान्या, तुमने मेरी सिमरन को मुझसे जुदा किया। क्यों किया? तुम्हें क्या मिला? सब कुछ बिखेर दिया तुमने। तान्या, मार डालो मुझे, मार डालो, खत्म कर दो मुझे। क्यों मुझे छोड़ा? मुझे भी मार डालो। और वैसे भी वीर के जाने के बाद मैं रोज मर मर के जी रही हूँ। क्यों किया ऐसा? कहा होता हम अपनी सारी दौलत तुम्हें दे देते। क्यों? मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने बचपन में बहुत गरीबी देखी है। मेरी माँ एक छोटे से ऑफिस में काम करती थी। कभी कोई उसे रेप करने की कोशिश करता था तो कभी कोई उसे बेइज्जत करता था। लेकिन उसने ये सब कुछ सहा और मुझे पढ़ाकर एक बड़ा आदमी बनाने की हर कोशिश में लगी रही। माँ की बेइज्जती मैं सह नहीं पाई। बहुत से रास्तों से गुजरते हुए मैंने तुम्हारे ऑफिस को ज्वाइन किया। तुम मुझसे प्यार करने लगे, लेकिन मैं कुछ और ही चाहती थी। तब तक यशोधरा माँ के विल का इतना बड़ा पैसा तुम सबके सामने आ गया था, और पता नहीं क्यों अमीर बनने की मेरी चाहत तब तक खत्म नहीं हुई थी। और मैंने ये प्लान किया कि वीर और राज को खत्म करके बाद में मुझे भी हादसे का शिकार बनाकर तुम करोड़ों की मालकिन बन जाओ। नहीं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तुम मुझे दीवानगी की हद तक चाहने लगी थी तान्या। राहुल, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती तुम्हारे बगैर जीने की। प्लीज मुझे माफ कर दो, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मेरे प्यार को याद रखो प्लीज। वाह भाई वाह, कुर्बान जाऊं ऐसे प्यार पे।
मुझे आपको रिस्क नहीं करना चाहिए। ऐसा प्यार करने वालों को मैं अलग नहीं कर सकता, लेकिन खान अपने ईमान को नहीं बेच सकता, अपने मुल्क को धोखा नहीं दे सकता। मुझे तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। पहली बार खान की आंख में आंसू है आप दोनों की जुदाई देखकर। थैंक्स राहुल, तुमने मीडिया का स्टैंडर्ड ऊंचा किया है पुलिस को यहां बुलाकर। राहुल प्लीज, राहुल राहुल प्लीज, राहुल राहुल आई लव यू, प्लीज राहुल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राहुल तुमने तानिया, नो तानिया, तुमने तुमने कब से मेरा तो सोचो थे क्या होगा मेरे तुम्हारे बिना। हाँ तानिया, मैं कोर्ट से रहम की अपील करता तुम्हारे लिए तानिया। नहीं राहुल, मैं दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाती, लोगों की चुपती आंखों को सहन नहीं कर पाती मैं। नहीं तानिया, और सबसे ज्यादा तुम्हारी नजरों में गिरकर नहीं जी पाती मैं। नहीं तानिया नहीं, तू मेरी नजरों में कभी नहीं गिरी, कभी नहीं गिरी तू मेरी नजरों में। नहीं तानिया, तानिया राज कुछ करो यार। राहुल तानिया, मेरा अंत यही था, राज मुझे माफ कर दो। शाइना तानिया, 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 नो, सांसों का है ये बंधन तुम्हारे लिए, जो भी सपने अब हो गए हैं अपने। मैं तो बनी हूँ साजन तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए। चुपके से कानों में क्या कह गई ये हवा, मैं बन गई हूँ तेरे दर्द दिल की दवा। चुपके से कानों में क्या कह गई, बजती है प्यार की धुन तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए। सांसों का है ये बंधन तुम्हारे लिए,
की धड़कन तुम्हारी।